जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। बाल मजदूरी कराने 8 बच्चों को ले जा रहे थे तमिलनाडु एक तस्कर गिरफ्तार। मधुबनी जिला के हरलाखी में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं वाहिनी अंतर्गत हरने कैंप के जवानों की सजगता से बाल मजदूरी के शिकार होते होते 8 बच्चे बच गए। तस्करों द्वारा सभी बच्चे को तमिलनाडु ले जाकर धागा फैक्ट्री में काम करवाने की योजना थी। गिरफ्तार एक तस्कर को बाल मजदूरी कराने के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत धनौजी गांव वार्ड 6 निवासी जीवछर ठाकुर के रूप में बताए गए हैं। एसएसबी जवानों ने 8 बच्चों व गिरफ्तार आरोपित को हरलाखी पुलिस के संरक्षण में दे दिया। पुलिस इस मामले में चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारियों को बुलाकर मामले की बारीकी से जाँच की। मिली जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल बॉर्डर पर आरोपित व्यक्ति 8 बच्चों को लेकर नेपाल से हरने होते हुए तमिलनाडु ले जा रहा था, जहां एसएसबी के द्वारा जांच के क्रम में जवानों को शक हुआ और आरोपित को हिरासत में लेकर हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद चाइल्ड लाइन जयनगर की टीम थाने पहुंचकर पुलिस के साथ मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने बच्चों को तमिलनाडु के धागा फैक्ट्री में काम करवाने के लिए से नेपाल से तमिलनाडु ले जा रहा था, जबकि सरकार द्वारा जारी संवैधानिक नियमानुसार नाबालिग बच्चों से काम कराना दंडनीय अपराध है, जिसको लेकर पुलिस ने हरने केएसएसबी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की। पुलिस ने मामले में संलिप्त एक आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं 8 बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन जयनगर के हवाले कर दिया गया। थानाध्यक्ष अनोज कुमार ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वहीं चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के टीम मेंबर सविता देवी ने बताई कि बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बच्चों को सुरक्षा और संरक्षण हेतु बाल गृह में रखा गया है। इस मौके पर सामान्य निरीक्षक सुनील दत्त, चाइल्ड लाइफ सब सेंटर के सदस्य सविता देवी, पप्पू कुमार एसएसबी के जवान सहित अन्य मौजूद थे। ज्वाला कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैदर दोनों ड्यूटी पे थे चेक पोस्ट पर। 49 जो रेफरेंस पिलर है हमारा, चेक पोस्ट ड्यूटी रहती है। तो ये लड़के जो हैं, 4 लड़के पहले आए, उसके बाद बल्क में ही आते हुए दिखे, तो उनको शक हुआ कि बल्क में इतना आदमी कहाँ जा रहा है। जिसे पूछताछ किया बट इनका संतुष्टजनक जॉब नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने इनको बैठा लिया और मुझे कैब में कॉल किया। उनके कॉल पे मैं अपने सीएसओ के साथ में वहाँ पहुँचा, तो पूछताछ की, तो मुझे भी शक लगा कि हाँ भाई, क्योंकि एक्सेप्टेड कर ही लिया था इन्होंने कि भाई हम तमिलनाडु जा रहे हैं। तो उसके बाद हम कैब में लेके आए इनको, तो राजपत्रित अधिकारी हमारे पहुंच गए थे, उनके सामने गहन पूछताछ की गई, तो सारी चीज़ें निकल के सामने आई। तो भाई ये नाबालिग बच्चे, ये 16 लोग थे, जिसमें कि 15 आदमी को लेके जाया जा रहा था, एक कैरी ट्रैफिकर था जो लेके जा रहा था। बट जब इनके आईडी वगैरह चेक की गई, उसमें से 8 बच्चे नाबालिग निकले, तो वो एक क्राइम की श्रेणी में आ गया। तो हमने इसको अधिकारी के सामने तलाशी ली गई और ये जीवच ठाकुर जो है, इसके खिलाफ कार्रवाई की गई, थाने के हैंडओवर किया। कौन सा आरोप क्या है इनके ऊपर? आरोप वही है नाबालिग को, हाँ, मानव तस्करी है। मानव तस्करी को जो है, उसमें नाबालिग बच्चे थे 8, जिनको करियर करके तमिलनाडु ले जाया जा रहा था, तो वही फैक्ट्री में काम के यूज़ के लिए इनको थाना पुलिस का अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस, हाँ, अग्रिम कार्रवाई के लिए हमने पुलिस के हैंड ओवर कर दिया है इसका। परिचय में इंस्पेक्टर सुनील दत्त, हरने कंपनी के चार्ज में हूँ। क्या मामला है यहाँ? आज का जो मामला है वो हरने कैंप हरलाखी से हमें सूचना मिला है कि 8 बाल श्रम, जो एक युवक जो है ना, जो धागा फैक्ट्री में से काउंसिलिंग किया गया था, उस हिसाब से पता चला कि वो युवक जो है ना, धागा फैक्ट्री में काम कराने लेके जा रहा था। तो फिर क्या हुआ आगे? जो इसको सभी बच्चे को और युवक को हरलाखी थाना पे लाया गया है, बाल श्रम का केस दर्ज हुआ है। बच्चे आरोपी जो है उनको जेल भेजा जाएगा और बच्चे को है बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया जाएगा। आपको उनके आदेश अनुसार से बच्चे जहाँ बालिका गृह जमा हो या फिर अपने अभिभावक के पास जाए, पर उनके आदेश से होगा। और मेरा परिचय हुआ सविता देवी, हम चाइल्डलाइन सब सेंटर जयनगर से। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।